नमस्ते, आप सभी स्वस्थ होंगे ऐसा मेरे को यकीन है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे पियाजे की डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। आज हम बात करते हैं कि ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसकी कुछ खास विशेषताएं होती है, वो कौन कौन सी हैं। वैसे तो बच्चों, हमने शुरुआत की क्लासेस में बात की थी कि कुछ सिद्धांत होते हैं जिन पर ही आधारित सभी तरह का विकास होता है। और जब हमने अलग अलग विकासों की बात की थी तो भी हम उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित उसके बारे में हमने बात की थी। और हमने देखा कि हम किसी भी तरह के विकास की बात करें, चाहे वो शारीरिक हो या क्रियात्मक हो या कोई सा भी विकास हो, उनकी जो विशेषताएं थी वो सब उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित थी। यानी कि विकास की प्रक्रिया में किसी भी तरह का विकास हो, वो सभी उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित होता है। और आज एक बार फिर हम उसी के बारे में बात करेंगे, इसीलिए मैं इसको बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बताऊंगी। आप नोट्स में उसको अच्छे से और भी पढ़ सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आपको आसानी से वो समझ में आ रहा होगा। संज्ञानात्मक विकास की अगर हम प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो संज्ञानात्मक विकास के निश्चित प्रारूप होते हैं, जैसा कि किसी भी सामान्य विकास की प्रक्रिया में होता है। सभी बालकों का संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित प्रारूप के अनुरूप ही होता है, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आनुवांशिक आदि विशेषताओं में भी होता है। और इन्हीं के प्रभाव के कारण से व्यक्तिगत रूप से विभिन्नताएँ देखने को मिल सकती हैं। फिर संज्ञानात्मक विकास जो है, ये हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। पहले हमेशा बड़ी चीज़ें, ग्रॉस चीज़ें सीखी जाती हैं, या विकास की प्रक्रिया में पहले वो संभव होती हैं, उसके बाद में फाइनर चीज़ें जो होती है वो सीखी जाती हैं। तो पहले ग्रॉस, देन टुवर्ड्स माइक्रो, जैसे उन चीज़ों की जानकारी प्राप्त करेगा बच्चा जो कॉन्क्रीट हैं, मूर्त हैं, जिनको वो सामने देख सकता है। जैसे अगर हम उसको कह रहे हैं कि ये कार है, तो उसको वो कार पहले दिख रही है तो वो उसको समझ में आ रही है कि कार है ना। और बाद में उसको चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट रूप में समझ में आएगी कि हम उसको किसी चीज़ के बारे में बोले कि ये ऐसा होता है, उसमें इस तरह के दरवाजे होते हैं, ऐसा, तो वो उसको अपने दिमाग में इमेजिन कर सके। वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहलाती है, जो कि बाद में आती है, पहले हमेशा कॉन्क्रीट थिंकिंग आती है। इसी तरह से सामान्य हमेशा संज्ञानात्मक विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले जनरलाइज चीज़ें सीखता है ना, कि कौन लोग हैं जो मेरे अपने हैं या जो मुझे प्यार करते हैं, जिनके पास में उसको अच्छा लगता है। फिर बाद में धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि ये मेरी माँ है, ये पिताजी हैं, या ये बहन है, या ये भाई है, या ये और भी। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उसको समझ में आता है कि ये फला 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 रिश्तेदार है, या ये मित्र हैं, या ये मेरे सहपाठी हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो रिलेशनशिप की गहराई उसको बाद में समझ में आती है। ऐसे ही हर चीज़ के लिए होता है कि पहले सामान्य और फिर विशिष्ट। और फिर संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती, जैसा हमने अभी बात की थी कि इसका प्रोसेस फिक्स है, एक निश्चित क्रम में चल रहा है, लेकिन व्यक्तिगत भिन्नताएं हमेशा होती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं, और उन कारकों के बारे में हम आगे देखेंगे। और उन्हीं के प्रभाव के चलते हर एक व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास दूसरे से भिन्न होता है। फिर संज्ञान का संचय होता है, ये हमेशा एक क्यूमुलेटिव रूप में बढ़ता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने कोई नई चीज़ सीखी तो हम पुरानी चीज़ भूल जाएंगे, यहाँ तक कि बचपन की सीखी हुई चीज़ों को भी वो हो सकता है हमारी बैक ऑफ मेमोरी में चली जाए, लेकिन हम उसको बिल्कुल भूल नहीं सकते। अगर हम थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालते हैं तो हम चीज़ों को रिकलेक्ट कर पाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये क्यूमुलेटिव होता है और चीज़ें कभी भी भूली नहीं जाती। प्लस जो पिछला ज्ञान है, पिछला जो नॉलेज है, उसी में हम बढ़ोतरी करते हैं। जैसे पहले हमको एक किसी बच्चे को एक बात समझ में आई कि ये कार है, अब वो कार कोई सी भी हो सकता है, वो मारुति हो या फोर्ड हो या कोई भी एक्स वाई जेड है ना। तो उसको अभी तो सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि ये कार है, इसके चार पहिए होते हैं, इसमें चार दरवाजे लगे हुए हैं, इसमें एक ऐसा गोल स्टीयरिंग व्हील भी है,
स्टीयरिंग भी है, बैठने की इतनी सीटें हैं, इसमें मशीन होती है, पेट्रोल भरने की जगह होती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसकी उम्र के हिसाब से वो धीरे धीरे उसमें उसके ज्ञान में बढ़ोतरी होती जाती है। लेटर ऑन अब ऐसा नहीं है कि वो इन चीज़ों को भूल गया, अब उसमें और नई चीज़ें एडिशन होंगी। जैसे उसने मारुति की कोई कार देखी, या हुंडई की कोई कार देखी, या होंडा की कोई कार देखी, या एक्स वाई जेड खूब सारी कंपनियां हो सकती हैं अलग अलग, तो अब उसको धीरे धीरे उम्र के साथ में उनमें फ़र्क नज़र आता है। तो उसको ये तो समझ में आता है कि ये सभी भी कार ही कहलाती हैं, लेकिन इनमें इसकी इस क्वालिटी के कारण, कोई स्पीड के कारण से, कोई उसके पेट्रोल की खपत के कारण से, या कोई उसके मॉडल के कारण से, वो अलग अलग होती हैं, लेकिन सब कारें हैं। तो ये क्यूमुलेटिव नॉलेज है, वो ये नहीं भूल गया कि नहीं वो भी कार थी, ओहो वो भी कार थी क्या, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। तो चीज़ें उसी में अपने ज्ञान में बढ़ोतरी होती जाती है। और फिर संज्ञानात्मक विकास जो है वो शिक्षण और निर्देशन पर निर्भर करता है, इट डिपेंड्स अपॉन टीचिंग एंड गाइडेंस, कि किस तरह की, जितना सही समय पर और सही जानकारी बच्चे को दी जाएगी उसका संज्ञानात्मक विकास उतना ही बेहतर होता जाएगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो उसके टीचर्स हैं या जो उसके पेरेंट्स हैं वो उनको प्रॉपरली गाइड करें और सही ज्ञान उनको देवें। और फिर बात आती है संज्ञानात्मक विकास तथा विकास के जितने भी दूसरे पहलू हैं वो सब आपस में अंतर संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड है। ये बात भी हम हर बार कर रहे हैं, जिस भी विकास के बारे में बात करते हैं तब हम ये बात करते हैं कि हम पढ़ने के लिए, समझने के लिए इनको सारे विकासों को हम अलग अलग करके देखते हैं, लेकिन इनका एक साथ ही सबका बढ़ना संभव होता है और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का असर हमेशा सब पर आता है। जैसे हमने पहले भी बात की थी, बौद्धिक विकास नहीं होगा तो संज्ञानात्मक विकास का बढ़ना भी मुश्किल हो सकता है। इसी तरह से बीमारी है, शारीरिक स्वास्थ्य है, मोटर एक्टिविटीज़ है, सामाजिक विकास है, सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसमें जो अंतिम बिंदु है वो है संज्ञानात्मक विकास जो है वो विगत एवं वर्तमान अनुभवों का योग है। पहले के जो भी अनुभव थे वो भी, उनसे भी हम सीखते हैं, उनसे भी हम हमारे ज्ञान की बढ़ोतरी करते हैं कि पिछली बार हमने कोई काम किया तो उसमें हमसे ये गलती हुई थी या हमने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा था, तो अब अगली बार जब हम काम करते हैं तो हम अपनी उस गलती को सुधारते हैं। तो इस तरह से हमारे ज्ञान की बढ़ोतरी होती है, साथ ही साथ वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं कि हमने वो चीज़ तो बदल ली, लेकिन हो सकता कोई नया आइडिया हमारे दिमाग में आया, उसको हमने उसमें ऐड किया, तो वो भी उसका योग हो जाता है। यानी कि सब टोटल, इन टोटो हम उसको एक साथ मिला करके देखते, वो तभी हमारा संज्ञानात्मक विकास किसी भी बालक का बढ़ोतरी उसकी होती है। अब हम आगे बात करेंगे कि इस किसी भी बच्चे में कौन कौन सी संज्ञानात्मक योग्यताएं पाई जाती हैं। इसमें कुछ योग्यताएं हैं, सबसे पहली है सेंसरी एक्सप्लोरेशन यानी कि संवेदनात्मक अन्वेषण। सेंसरी ऑर्गन्स की मदद से बच्चा अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करता है, ये उसकी एक क्वालिटी होती है। जब वो पैदा होता है तो उसको कोई जानकारी नहीं होती और अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही वो धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को समझता है। दूसरा है इसमें क्रियात्मक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास में गामक क्रियाओं का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उसके द्वारा ही वो अपने आसपास के वातावरण के साथ में समायोजन स्थापित कर पाता है। और तीसरा आता है पढ़ने लिखने की योग्यता, एबिलिटी ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। और ये योग्यता हम जानते हैं कि 3 साल के बाद ही आ पाती है, इसलिए बच्चे का संज्ञ, हमने जो पिछली स्टेजेस में देखा है, जब स्टेजेस की बात करी थी पियाजे की, तो हमने उसमें देखा कि कैसे अलग अलग अवस्थाओं में ये संज्ञानात्मक विकास बढ़ता है। तो पढ़ने लिखने की योग्यता भी जब आती है तो उसके कारण से भी, क्योंकि पढ़ने से हमको बहुत सी चीज़ों का ज्ञान मिलता है, अमूर्त थिंकिंग
एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसको हम कहते हैं या अमूर्त चिंतन जिसको कहते हैं, वो हमको पढ़ने लिखने के माध्यम से हमारा ज़्यादा विकसित हो पाता है, क्योंकि किताबों को पढ़ के हम अपना ज्ञान वर्धन कर पाते हैं, जिज्ञासा बच्चे की जो होती है वो उससे शांत हो पाती है और उसकी मनोवृत्तियाँ और आदतें भी उनके कारण से बदलती हैं। और फिर बात आती है प्रश्न पूछना यानी कि क्वेश्चनिंग। बच्चे हम जानते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, इसलिए जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए वो अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए हमसे प्रश्न पूछते हैं। अपने आसपास में जो बड़े हैं, जो उसके टीचर्स हैं, माता पिता हैं या साथी हैं, उनसे सबसे प्रश्न पूछ पूछ करके और अपने ज्ञान की बढ़ोतरी करते हैं। और इसीलिए हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि बच्चों की जो भी क्वेरीज होती हैं, जो भी उनके प्रश्न होते हैं, उनका हमेशा सही और उचित उनका जवाब हमें दिया जाना, हमें देना चाहिए और सही समय पर देना चाहिए। और फिर सामान्यकरण यानी कि जनरलाइजेशन। बच्चा चीज़ों को जनरलाइज करता है, जैसे हमने डिफरेंट स्टेजेस की बात करी थी, तो शुरुआत में वो हर चलने वाली चीज़ को सजीव समझता है, फिर धीरे धीरे यहाँ तक कि अपने खिलौनों को भी, और फिर धीरे धीरे उसको सजीव का और निर्जीव का फ़र्क मालूम होता है कि हर चलने वाली चीज़ सजीव नहीं है। जैसे चलती तो कार भी है, साइकिल भी है, मोटरसाइकिल भी है, लेकिन वो सब चीज़ें सजीव नहीं हैं। तो इस तरह से वो जनरलाइजेशन करता है पहले, और फिर थिंकिंग एबिलिटी यानी कि चिंतन की योग्यता। बच्चा जितना उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी चिंतन प्रक्रिया बढ़ती जाती है, और उसके बाल फलस्वरूप ही बच्चा इस चिंतन के फलस्वरूप ही बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकाल लेता है। चिंतन, कल्पना एवं तर्क से नवीन ज्ञान का अर्जन करता है, कहानियाँ, कविताएँ, चुटकुले, लेख आदि सब लिख पाता है। और फिर आती है तर्क योग्यता यानी कि रीजनिंग एबिलिटी। कोई बात सिर्फ इसलिए कहे मान ली जाए कि किसी दूसरे ने कही है, ये उचित नहीं है, और इससे कभी भी सही ज्ञान की वृद्धि नहीं हो पाती है। सही ज्ञान तभी प्राप्त हो पाता है जब हम किसी भी बात को अपने तर्क की कसौटी पर खरा पाते हैं। तो बच्चों में भी ये तर्क की योग्यता होती है, और इस संबंध में हम इतना ही कह सकते हैं कि तर्क की योग्यता क्या है, कि विचार करके निर्णय लेना ही तर्क की योग्यता कहलाता है। तर्क प्रक्रिया के माध्यम से बालक पुराने अनुभव के आधार पर वर्तमान परिस्थिति के संबंध में सोचता है और विचार करता है। तर्क की योग्यता के कारण ही बालक जीवन की विभिन्न समस्याओं को सुलझाता है। हालांकि इसका जो अंकुरण है वो शैशव अवस्था से हो जाता है, लेकिन 3 से 4 वर्ष की अवस्था से ही दिखने लग जाता है, और 7 से 8 वर्ष का होते होते तक ये अपने चरम पर पहुंचता है कि बच्चा अब तर्क के माध्यम से अच्छी तरह से समझने लग जाता है। और फिर बात आती है कल्पना शक्ति की। कल्पना का भी एक उच्च स्तर की ये संज्ञानात्मक योग्यता है, इमेजिनेशन, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें सामने हैं, जैसे कहानियां हैं, कविताएं हैं, मूवीज़ तो फिर भी चलो हम विजुअल्स देखते हैं, बच्चे भी विजुअल्स देखते हैं, लेकिन जैसे कहानी सुना रहा है कोई, या किताब में जब बच्चा पढ़ना सीख जाए, किताब में पढ़ रहा है, तो उस चीज़ को भी वो इमेजिन करे कि वो कैसे गया होगा, कैसी सड़क रही होगी, कैसी जगह रही होगी, किस तरह के पेड़ रहे होंगे, या जो कुछ भी उसमें डिस्क्रिप्शन दिया है वो अपनी कल्पना के आधार पर उसके बारे में सोचता है। और फिर स्मरण शक्ति यानी कि स्मरण की योग्यता, मेमोरी एबिलिटी। संज्ञानात्मक विकास का ये सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है स्मरण की योग्यता। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, सूचना आदि के संबंध में याद रखना ही हम उसको स्मरण या स्मृति कहते हैं। बालक जो कुछ भी अपने पास पड़ोस में घटनाओं को घटते हुए देखता है, उससे एक अनुभव को प्राप्त करता है, और वो मस्तिष्क से आसानी से मिटती नहीं है, बल्कि उसके मस्तिष्क के एक बड़े भाग में वो संग्रहित होती रहती हैं। कुछ घटनाएं तो ऐसी होती हैं जो जीवन पर्यंत कभी भी भूली नहीं जाती, जैसे कोई सड़क दुर्घटना देख ली जाए, या अपने सामने अपने किसी प्रियजन का निधन अगर कोई देख ले, तो इस तरह की घटनाएं कभी भी भूली नहीं जाती। या जो डिजास्टर्स होते हैं, जैसे बाढ़ आ गई है, या भूकंप आया, या अकाल आया, या जैसे अभी हम देख रहे हैं कोरोना महामारी का काल चल रहा है, तो इस अवधि में जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो बच्चे उनकी स्टेज के हिसाब से, तो बच्चे
भले ही शायद बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं समझते, लेकिन उनको इतना तो समझ में आ रहा है कि ये कुछ ऐसी बीमारी फैली हुई है जिसमें मास्क लगाए बगैर घर के बाहर नहीं जाना है, ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं है, हाथ नहीं मिलाना है, इत्यादि इत्यादि। तो बहुत सी चीज़ें बच्चे समझ रहे। तो अब जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमने भी अपने जीवन का इतने लंबे जीवन काल में इस तरह का माहौल पहले कभी नहीं देखा, तो हमारा भी ये जीवन का पहला अनुभव है। लेकिन उन छोटे बच्चों के को तो ये और भी ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि उनके आगे तो अभी पूरा लंबा जीवन पड़ा है। तो ये जो स्मरण की योग्यता होती है ये हमें हमेशा याद रहती है और बच्चों के ज्ञान में ये वृद्धि करती है। इस तरह से ये कुछ योग्यताओं के बारे में हमने बात की है। अगली क्लास में हम इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग सभी अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।